नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हिंदी में एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम उस टॉपिक के साथ आए हैं और वह टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग ये आपके समझ में ला रहा हूँ, तो आइए जानते हैं कि समास के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये इतना सरल टॉपिक है जिसे आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनता है उसके बारे में हमें देखना होगा। अक्सर पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, तो सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाएगा कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। इस संक्षेप को जैसे कोई समास लिखा है, जैसे लिखा है रसोई घर। क्या लिखा है? रसोई घर। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं और ज़्यादा। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसी को हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। और इसे दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। जैसे रसोई घर लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? रसोई और घर। तो दो पद आए निकल के। कितने पद आए? दो पद निकल के आए हैं। तो इन दो पदों को हम कैसे जान सकते हैं? देखो, इसे बोलते हैं प्रथम पद और इसे बोलते हैं हम उत्तर पद। इसे उत्तर पद या प्रथम पद। प्रथम पद को ही हम प्रधान पद या मूल पद कह सकते हैं और इसे कह सकते हैं उत्तर पद या अंतिम पद। प्रथम पद और या इसे पूर्व पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व पद। ये याद रखना है। तो अक्सर समास में जब लिखा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा पद प्रधान होता है, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखना उसमें अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तो अक्सर इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये आप नोट कर लें कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब जानने की कोशिश करते हैं कि समास होता क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे कहा जाता है समास। ठीक है, समास मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार के होते हैं। यानी पद के आधार पर, आपसे अगर पूछा जाए पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन सामान्यतः जो अब वर्तमान में हिंदी के व्याकरणविद हैं उन्होंने इसकी संख्या छः मानने लगे हैं। छः कैसे होते हैं? उसका कारण लॉजिक है। एक क्या लॉजिक है आगे अभी हम देखते हैं। देखो, समास होते हैं कितने प्रकार के? मूल रूप से चार प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है बहुव्रीहि समास। चौथा आपका है द्वंद्व समास। आप ये चार प्रकार के पढ़ रहे हैं, चार प्रकार के समास है मूल रूप से। लेकिन छह कैसे होते हैं? तो जो तत्पुरुष समास होता है हमारा, इसके दो पार्ट और होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक इसमें होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत कम किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग वैसे पढ़ते हैं कर्मधारय समास अलग, द्विगु समास अलग, लेकिन ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो तत्पुरुष समास होता है इसी के दोनों पार्ट होते हैं कर्मधारय समास। और ऐसा बहुत बार पेपर में आया है कि कोई कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे पूछ दिया गया और फिर उसमें ऑप्शन नहीं है तो फिर कहते हैं गलत क्वेश्चन हो गया। गलत नहीं हो गया, वो अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो उसे हम तत्पुरुष समास मानेंगे, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो मूल रूप से चार समास होते हैं पदों के आधार पर, लेकिन कुल कितने प्रकार के समास होते हैं। और याद रखना पेपर में अगर आजकल जो पूछा जाता है वो ट्रेंड यही है कि समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अव्ययी भाव समास को। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? क्या होता है? ठीक है, दो पद होते हैं जैसा कि हम जान रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा?
वह समास जिसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद जिसे हम कहते हैं पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण लिखेंगे हम इसका, अव्ययी, जैसे यहाँ पे देखो अव्ययी लिखा है। अव्यय क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है अव्यय। अव्यय जो होते हैं, अव्यय का मतलब आ मीन्स नहीं हो, व्यय मीन्स जिनका जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। यानी कि अव्यय कौन होंगे, अवकारी होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो कैसे देखेंगे अव्यय क्या हो सकते हैं, अव्यय हो सकते हैं उपसर्ग, अव्यय हो सकते हैं प्रत्यय। क्या हो सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ये अव्यय का रूप लेते हैं, ठीक है। तो याद यहाँ ये रखना है, अव्यय जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द का प्रथम पद या पूर्व पद कैसा हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा आमरण, क्या लिखा आमरण, तो यहाँ इसे अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, आ प्लस मरण, क्या होगा, आ प्लस मरण, यानी आ क्या है, अव्यय है, आ यहाँ पे क्या, अव्यय है। तो इसीलिए जिन शब्दों के पहले अव्यय का प्रयोग होता है उन्हें हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्यय या उपसर्ग आ का प्रयोग हो रहा है इसलिए इसे अव्ययीभाव समास कहा गया है, आमरण। अब इसका विग्रह क्या होगा, आमरण मतलब मरण तक, मरने तक या मरण तक, इस हिसाब से हम इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे प्रत्येक लिखा हो, क्या लिखा हो, प्रत्येक, तो प्रत्येक को क्या लिखेंगे, प्रति प्लस एक। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि प्रति क्या है, ये उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग वे होते हैं जो किन्हीं शब्दों से पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें प्रति उपसर्ग है या प्रति अव्यय है एक के पहले, इसलिए यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। ऐसे ही कोई भी समास जिसमें पहले क्या हो, अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, जब कभी एक जैसे समानार्थी शब्दों, जैसे लिखा हो एक एक, और वो पेपर में पूछ दे बताइए कौन सा समास है, बेशक इसमें संयोजक चिन्ह लगा है, वैसे लोग समझते हैं कि द्वंद्व समास होगा। अक्सर द्वंद्व समास में देखते हैं, जैसे देखा कि माता पिता, क्या देखा, माता पिता, तो पूछ दिया जाता है इसमें कौन सा समास है, तो कहते हैं द्वंद्व समास है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो द्वंद्व समास होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्वंद है एक दूसरे में, कुछ ना कुछ क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के अलग है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें कैसी हैं, एक ही हैं। जब दोनों समानार्थी शब्द होते हैं तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, ये याद रखना है आपको। क्या, जब दोनों समानार्थी शब्द होते हैं तो वहाँ चाहे बेशक संयोजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक यहाँ पे अपवाद याद रखना है आपको, क्या, कि सा उपसर्ग वाले, कौन से सा उपसर्ग वाले शब्द अव्ययीभाव समास नहीं होते हैं। जैसे सदेह, सबल, इसमें भी देखो बल के साथ, देह के साथ, ये सब लिखा है, लेकिन इसमें अव्ययीभाव समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सा उपसर्ग वाले बहुव्रीहि समास होते हैं, कौन होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, ये आपको ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है। और ये समझ लो ये अपवाद है इस नियम का, कि ये जो सा वाले समास होते हैं, जो सा उपसर्ग से शुरू होते हैं, वो बहुव्रीहि होते हैं, वो अव्ययीभाव नहीं होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देखेंगे जो अपवाद के तौर पर अक्सर आती है, क्या, जैसे लिखा हो विवाहोपरांत, अब यहाँ इसका अब क्या बनेगा, विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत, तो उपरांत देखो पीछे आ रहा है, यानी अब जो अव्यय है वो पीछे आ रहा है। अव्यय जब भी हमने पढ़ा था कि अव्यय पहले आता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जहाँ अव्यय पीछे आता है, जब उपरांत है, इतर है, इन शब्दों का प्रयोग अगर हो, जैसे इतर, विवाह उतर, विवाह के इतर, तो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर पीछे किया जाता है तब भी वो अव्ययीभाव समास होते हैं। तो आपने समझ लिया कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो ये कि इसमें कौन सा समास है, दूसरा सीधा सीधा प्रश्न आता है कौन सा वो समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, वो होता है अव्ययीभाव समास, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा जो समास है वो है तत्पुरुष समास, कौन सा है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में देखो, तत्पुरुष समास की सीधी सी डेफिनेशन है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। जैसे हमने लिखा था रसोई घर, हमने लिखा था रसोई घर, तो हम देखा था इसे हम बोलते हैं पूर्व पद और इसे बोलते हैं हम उत्तर पद या अंतिम पद।
ठीक है। तो ये पद प्रधान होगा किसमें, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखनी है, अक्सर पेपर में प्रश्न आ जाता है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास को कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से तत्पुरुष समास, किस किस में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आपको ये देखना है तत्पुरुष समास का हम जो आधार लेते हैं वो लेते हैं कारक के आधार पर। कारक आपने पढ़े होंगे, कारक होते हैं। तो अगर कारक, कर्ता कारक को हम छोड़ दें, कर्ता कारक को छोड़ दें और संबोधन कारक को छोड़ दें, तो बचे हुए जो 6 कारक होते हैं उन सभी के आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास कैसे, और इसीलिए वही 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हो जाते हैं हमारे। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता को छोड़ दें तो क्या बचा, कर्म, कर्म तत्पुरुष, ऐसे ही, ठीक है। दूसरा क्या होगा, करण। तीसरा संप्रदान। चौथा अपादान, ठीक है। पांचवा अपादान संबंध। छठवा अधिकरण। तो आप देख रहे हैं 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के हमारे तत्पुरुष समास होते हैं, और इनको हम इस हिसाब से कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसी आधार पर हम बता देते हैं कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं, जैसे कि हम पहला लें कर्म तत्पुरुष, कौन सा, कर्म तत्पुरुष लें, तो कर्म में आपने देखा होगा जब हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्म को, अगर जहाँ भी हम विग्रह करने के पश्चात को विभक्ति का प्रयोग देखते हैं, को विभक्ति का प्रयोग, को विभक्ति, जैसे कर्ता की विभक्ति होती है, और विभक्ति को एक याद रखना एक चीज़, हम परसर्ग कहते हैं, अब ज़्यादातर किताबों में लिखा आता है परसर्ग, विभक्ति को कहा जाता है परसर्ग। तो कर्म को, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष का जैसे उदाहरण देखें तो कर्म में लिखा है जैसे कि जैसे राजा को कुछ भी, तो जैसे को शब्द का अगर प्रयोग आपको कहीं मिलेगा तो वो कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, तो कर्म तत्पुरुष जैसे गृह काट, गृह काट, ये क्या है, गृह काट मतलब गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला, तो को आया तो इसका मतलब आप कह देंगे ये कर्म तत्पुरुष है। जैसे गगन चुम्बी, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, गगन को, ठीक है। जैसे सुख प्राप्त, क्या लिखें, सुख प्राप्त, तो इसका क्या होगा विग्रह, सुख को प्राप्त, बहुत आसान है। अगर आपने इसका कारक विभक्ति से इसका विग्रह कर लिया तो आप तुरंत पहचान जाएंगे इसमें कौन सा समास है। जैसे आपने लिखा सुख प्राप्त, तो आप देखो यहाँ अव्यय भाव है क्या, यहाँ तो कोई उपसर्ग नहीं लगा है, कोई अव्यय नहीं है, नहीं है, दोनों देखो आपको एक जैसे ही लग रहे हैं, संज्ञा शब्द सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त, इसकी आप विग्रह क्या करेंगे, इसकी हिंदी जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, सुख को प्राप्त, इसको और विग्रहित करके क्या करेंगे, तो को आया, को किस में आता है, कर्म, कर्म को, तो इसलिए आप कह देंगे ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी अगर आप वो आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा तत्पुरुष है, ये कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। तो समझ गए, कर्म के बाद हम देखते हैं करण तत्पुरुष, कौन सा, करण तत्पुरुष, कर्म को और फिर करण तत्पुरुष। करण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ठीक है। जैसे से आ जाए, अगर आ जाए करण तत्पुरुष, ठीक है, तो आप बताएं कि करण तत्पुरुष जैसे विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, या वहाँ भी से आएगा, अपादान से अलग होने के संबंध में, अपादान से लेकिन क्या होगा, अलग होने के संबंध में। जैसे आप यहाँ पे देखें तो से वहाँ भी आएगा और से यहाँ भी आएगा, लेकिन हमको देखना होगा कि दोनों में अंतर क्या है, वहाँ अलग होने के संबंध में और यहाँ संयोग के संबंध। जैसे रस भरा, क्या लिखा है, रस भरा, तो क्या हम इसका वो करेंगे, रस से भरा, तो यहाँ देखो से आया लेकिन अलग नहीं हो रहा, रस से जो कोई भरी होगी चीज़ तो वो अलग तो नहीं है, तो रस से आ जाएगा, तो रस भरा, से भरा। जैसे और हम देखते हैं दूसरा कोई उदाहरण, जैसे देख लें रस भरा हो गया, जैसे शोका कुल, अगर देखें यहीं पे शोका कुल, शोक से आकुल, शोक से भरा होगा शोका कुल, तो क्या हो जाएगा, शोक से आकुल। इसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि जहाँ से विभक्ति आ रही है उससे किस में आती है, करण से, तो इसलिए हमने कह दिया। जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत, अब द्वारा भी आता है, आपको पता है कि यहाँ द्वारा भी आता है करण में, तो तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित,
जो होगा वो क्या होगा, द्वारा उससे आ जाए वो करण तत्पुरुष हो जाता है। तो हम कहते हैं करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष में भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो दोनों कोई भी ऑप्शन में हो सकते हैं, या तो करण तत्पुरुष सीधा सीधा कह देगा या फिर समास का नाम दे देगा आपको, ठीक है। अब देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष में देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष में देखेंगे, तो हम जैसे देख रहे थे संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान के लिए क्या होता है, संप्रदान के लिए आपने पढ़ा है कि संप्रदान की विभक्ति या परिसर क्या होता है, के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो क्या लिखेंगे इसका विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो के लिए देखो आ रहा, के लिए, तो रसोई के लिए घर, यानी आप समझ गए कि इसमें कौन सा है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। और तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष बात एक ही है, अगर आपसे वो तत्पुरुष के बारे में वो ऑप्शन सिर्फ दे तो तत्पुरुष लगा दो, नहीं तो संप्रदान तत्पुरुष। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो के लिए यहाँ भी आ रहा, ऐसे ही हिमालय, हिम के लिए आलय, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें के लिए आएगा, वो सब आपके क्या होंगे, संप्रदान तत्पुरुष होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी हो। संप्रदान के बाद क्या आएगा, संप्रदान के बाद आएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष मतलब से, अपादान से अलग होने के संबंध में, लेकिन अलग, अलग के लिए, कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं से, ठीक है। जैसे धनहीन, क्या लिखेंगे, धनहीन, तो धन से हीन, धन से हीन, तो से आया, लेकिन धन, जब कोई धनहीन होगा तो मतलब धन नहीं होगा उसके पास, यानी वो धन से अलग है, इसीलिए यहाँ होगा आपका क्या, अपादान, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, अब पथ से वो उस पथ पर नहीं जिस पे होना चाहिए था, तो से है तो पथ से भ्रष्ट, यानी इसका मतलब यहाँ भी अपादान होगा। ऐसे ही कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे कि के पुत्रहीन, पुत्र से हीन, जिसके पास पुत्र नहीं है वो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो आप, अपादान हो गया, अब हम देखते हैं आपने पढ़ लिया अपादान, अपादान के बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता, का, की, के, ना, नी, ने, रारी, रे, ये सब संबंध की परसर्ग या विभक्तियाँ होती हैं। संबंध में देखेंगे हम जैसे राजा, राजकुमार देखेंगे, तो ठीक है, तो राजकुमार को अगर हम करें विग्रह तो क्या होगा, राजा का कुमार, यानी का, अब देख रहे का विभक्ति आ रही, तो राजा का कुमार, राजा का लड़का, यानी का, का राजा का संबंध है कुमार से, तो राजपुत्र, तो हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं, जैसे लिखा हो राजकुमार है, राजा का पुत्र है, ठीक है, और भी कई चीज़ें जिसमें संबंध का बोध होता हो, ठीक है। जैसे ग्रामवासी, ग्राम के वासी, ग्राम वासी, तो क्या हो जाएगा, ग्राम के वासी, तो देखो के आया, काकी के, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ ये विभक्ति प्रयोग हो विग्रह करने के पश्चात, तो अगर तो वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जिसकी भी, जिस कारक की विभक्ति मतलब प्रयोग में दिखे आपको, तो वही कारक हो जाएगा। संप्रदान की अगर के लिए दिखे तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। कई उदाहरण है, वैसे तो बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन हम आपको कुछ कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, और आप प्रैक्टिस करें फिर उसके बाद आप समझें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम जो देखेंगे, हमारा जो लास्ट वाला बचेगा वो रहेगा छठवा वाला, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, मैं पे पर, मैं पे पर, ठीक है। तो इसकी विभक्ति ये होती है, जैसे अधिकरण में क्या हो जाएगा, अधिकरण में के किसी पर, किसी चीज़ पर ऐसा कुछ होता है जहाँ अधिकरण तत्पुरुष है, और ये महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आप बीती, आप बीती, तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती, ठीक है, आप बीती। जैसे जैसे हो जाएगा आप बीती के बाद, जैसे आप कह सकते हैं और, ठीक है, और एक हो सकता है जैसे ग्रामवास, ग्रामवास, तो ग्राम में वास,
तो इसमें देखो मैं आ रहा, पर आ रहा, ठीक है। तो जहाँ आप देख रहे हैं विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, उसी आधार पर हमने बांट रहे हैं, उसी आधार पर हमने देखा है आप बीती में क्या है, आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष है, ग्रामवास में अधिकरण तत्पुरुष है। इस हिसाब से आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि समास को कैसे कैसे बटे। बहुत आसान है, इतने में जितने भी आपने देखा होगा बहुत आसानी से आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, बहुत कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आज हमने इसके बारे में चर्चा की, जिसमें हमने अपना पहला जो तत्पुरुष अव्ययीभाव समास होता है उसके बारे में पढ़ा, और तत्पुरुष के सारे जितने भी पार्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। इसी के अंतर्गत दो समास और आएंगे, जैसे कर्मधारय और द्विगु, इनको भी हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से हमने पढ़ा था शुरुआत में कि चार होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल छः को लाते हैं पेपर में, तो छः प्रकार के समास हम पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास बहुत मोस्ट होने वाला है, उसके बाद आप द्वंद्व समास, ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार।